हाय गाइस, मेरा नाम इतना, आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल इतनुशील को। दोस्तों अभी जो आपके सामने पेज है, इस पेज का पूरा हेल्थ चेकअप होगा, क्योंकि इस पेज का ओनर का कहना है कि पेज पे जो फॉलोअर है वो बढ़ नहीं रहा है और ना जाने क्या क्या इशू है जो कि इस पेज के ओनर को पता भी नहीं है। तो इस पेज के ओनर ने मुझसे पूछा है एक रेगुलर हेल्थ चेकअप का। तो ये पेज का पूरा एक हेल्थ चेकअप होगा और उसके दौरान बहुत सारे पेज सेटिंग ऐसा रहेगा जिसपे मैं थोड़ा सा एडिट वगैरह करूंगा ताकि पेज सेटिंग भी बराबर हो जाए। ये हेल्थ चेकअप बिगिनर्स लोगों के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव होने वाला है। इसी बात पे वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे फेसबुक से जुड़े हर वीडियो मिलता रहता है। तो दोस्तों बिना कि आपको बोर, सबसे पहले जैसे कि मैं हेल्थ चेकअप पे सबसे फर्स्ट चेक करता हूं कि पेज का फॉलोअर कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेज जो है 4500 फॉलोअर लेके बैठा है। तो अब ये पेज का जो ग्रोथ रेट है वो कैसे आगे बढ़ेगा इसके ऊपर ये हेल्थ चेकअप होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने देखा है, जैसे कि इस पेज के ओनर ने भी बताया है कि पेज पे रीच तो अच्छा खासा जा रहा है वीडियोस पे, जैसे कि ये वीडियो देख सकते हो 69,000 से भी ज्यादा रीच है, मगर फॉलोअर फिर क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसके पीछे का जो बेसिक रीजन मैंने देखा है, सबसे पहले एकदम बेसिक, वो है इस पेज को फॉलो करने का ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि फॉलो करने का जो ऑप्शन है वो व्हाट्सअप डाल के रखा गया है। व्हाट्सअप डाल के रखा गया जाएगा तो लोग आके आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करेगा, फॉलो का आप पे करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसको एडिट करना है, यहाँ पे क्लिक करके एडिट बटन पे क्लिक करो, फिर यहाँ से आपको फॉलो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब ये फॉलो बटन में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो ये कन्वर्ट हो गया है फॉलो बटन में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आता है स्टेप, इस पेज के ओनर के लिए मैं एक सजेशन दूंगा, वो है कि इस पेज का यूजर नेम अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। अब ये हो सकता है ये पेज वेरीफाइड ना हो, तो पहले वेरीफाइड कर लो फिर यूजर नेम चेंज कर लो, और यूजर नेम वही रखना है जो पेज का नेम है, ताकि सर्च करने पे लोगों को आपका पेज मिले। तो ये एक सजेशन रहेगा इस पेज के ओनर के लिए। अब बात ये आता है कि पेज पे जो फॉलो बटन लगा दिया तो उससे ही क्या रीच जो है वो भी बढ़ जाएगा और फॉलोअर भी बढ़ जाएगा? नहीं, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इस पेज पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। वो हम समझेंगे कहाँ पे जाके, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। तो आपको पता है पब्लिशिंग टूल पे अगर क्लिक करेंगे, इनसाइड एक क्रिएटर टूल भी रहता है जो कि मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हूं। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों हमें पता चलेगा पेज के बैकएंड में क्या चल रहा है। तो क्या चल रहा है वो समझने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे जो इनसाइट होता है उस पे, इनसाइट पे क्लिक करके हम देखेंगे कि आज के डेट पे इस पेज का रिकमेंडेशन एल्गोरिथम ट्रिगर हो भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिटेंशन वाला ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन एल्गोरिथम के डिटेल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिकमेंडेशन एल्गोरिथम इस पेज पे अभी 8% जा रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं है। मैक्सिमम जो पेज पे रीच आ रहा है वो आ रहा है शेयर से, आप देख सकते हो 80% रीच पेज का बढ़ रहा है शेयर, रिकमेंडेशन ट्रिगर नहीं हो रहा है। रिकमेंडेशन जब पेज का ट्रिगर नहीं होता है, यहाँ पे साफ साफ रीजन जो होता है वो होता है कि पेज पे कुछ ना कुछ इल्लीगल एक्टिविटी हो रहा है, एंगेजमेंट बेट हो रहा है, जिसके वजह से फेसबुक उस पेज का रिकमेंडेशन एल्गोरिदम को ट्रिगर करना बंद कर देता है। और रिकमेंडेशन एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसके थ्रू आप आपके पेज को ज्यादा से ज्यादा वायरल फैक्टर ला पाओगे। रिकमेंडेशन एल्गोरिदम जब तक आपके पेज पे ट्रिगर नहीं होगा, आपका पेज वायरल नहीं होता है। तो ये इस पेज के साथ भी है। अब रीजन क्या है ये पता करना है, क्यों रिकमेंडेशन एल्गोरिथम ट्रिगर नहीं हो रहा है। इसके लिए मोनेटाइजेशन पे हम क्लिक करेंगे, फिर ये पेज क्योंकि नया पेज है तो क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे जो मोनेटाइजेशन के नीचे पेज पॉलिसी आता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आप इधर पे आप इंस्ट्रूमेंट पे व्यू क्राइटेरिया पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है पे, कौन सा पॉलिसी वायलेशन किया है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का, वो देखने के लिए सी पॉलिसी इशू पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अब हमें पता चलेगा पेज पे आखिर पेज पॉलिसी कौन सा इशू है जो उल्लंघन हुआ है, जिसके वजह से फेसबुक ने रिकमेंडेशन एल्गोरिथम को ट्रिगर करना बंद करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोनेटाइजेशन इशू हुआ है और ये लिखा हुआ है यू मे बी एट रिस्क फॉर मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब है आपका पेज का मोनेटाइजेशन कभी भी रिस्ट्रिक्शन में जा सकता है, ये आपको वार्निंग दे रहा है, इसीलिए एट रिस्क लिखा हुआ। वायलेशन है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। तो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो मैं कहा ये एक छोटा मोटा चीज नहीं है, ये पूरा नॉलेज यहाँ पे ही छुपा होता है जो हमें लेना होता है। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के ऊपर मेरे चैनल पे कुल मिला के 12 वीडियो है जो कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी नाम से प्लेलिस्ट के अंदर है। वो 12 वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन क्या होता है, इसके अंडर में कौन सा
चीजें आता है उसका ही एक मिस्टेक इस पेज पे हुआ होगा या फिर एक से ज्यादा हुआ होगा, जिसके वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू ट्रिगर होता है पेज। तो यही इस पेज के साथ भी हुआ है। अब देखेंगे इस पेज का पेज क्वालिटी भी खराब है या सही है। तो इसके लिए सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको पेज क्वालिटी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे एक नया पॉपअप विंडो ओपन होगा जहां पे हमें बताया जाएगा आपका पेज क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसा है। तो इस पेज के केस पे इस पेज का पेज क्वालिटी बिल्कुल अच्छा है, कोई भी खराबी नहीं है। इसीलिए ये जो बार है पूरा ग्रीन है और टिक मार्क भी ग्रीन है। तो पेज क्वालिटी खराब नहीं हुआ है, पेज का पेज पॉलिसी खराब हुआ है। अब हमें एज ए क्रिएटर, एज ए पेज ओनर इस पेज पॉलिसी को ठीक करना बहुत जरूरी है। और अभी जो मैंने यहाँ पे इश्यू दिखाया आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का, जिसका उल्लंघन हुआ है लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट के हवाले से वायलेशन हुआ है, ये इश्यू बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन के वजह से आता है। मगर क्योंकि यहाँ पे रिकमेंडेशन एल्गोरिदम बंद हुआ है, मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि इस पेज पे कुछ ना कुछ एंगेजमेंट बेट किया गया है। अब एंगेजमेंट बेट क्या होता है ये समझना भी बहुत जरूरी है। हो सकता है इस पेज का ओनर अपने इस पेज को जिस अकाउंट से जोड़ के बनाया है उसी अकाउंट से पेज के कंटेंट को खुद शेयर कर रहा है। ये कर रहा था नहीं कर रहा था ये अगर हमें समझना है तो हमें अकाउंट लेवल पे जाके उस अकाउंट के अंदर देखना पड़ेगा, जो कि इस पेज का ओनर का जिम्मेदारी है देखना कि सही में इस पेज को जिस अकाउंट, जिस फेसबुक अकाउंट से जोड़ा गया है उस अकाउंट से शेयरिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने ऑलरेडी देखा है शेयरिंग हुआ है और शेयरिंग होने के वजह से ही ये इशू आता है। अब ये इशू सिर्फ एक रीजन के वजह से आता है ऐसा नहीं, हो सकता है इस पेज के ओनर ने अपने पेज के जो कंटेंट है जो अपलोड किया जाता है उसको ओपन करके वही उसी अकाउंट से देखा हो। अगर खुद के कंटेंट को खुद के अकाउंट से आप देखोगे, खुद के पेज के कंटेंट को खुद ही अकाउंट से, वो अकाउंट जो अकाउंट आपने पेज क्रिएट किया है, तो भी एंगेजमेंट बेट होता है। तो मुझे पता नहीं इस पेज के ओनर ने देखा कि नहीं देखा, मगर शेयरिंग जो है वो सबसे मेन रीजन होता है जो कि इस पेज के केस पे हुआ है। वो गलती नहीं करना है अब से। अगर आपने ऑलरेडी शेयरिंग करके पेज को खराब कर चुके हो, फेसबुक के नजर पे आपका अकाउंट अगर ब्लॉक पे गया है, तो आपको जो करना है वो है कि आप आपके पेज पे एक पुराना कोई अकाउंट जोड़ो, जिस अकाउंट से इस पेज का या फिर इस पेज के जो अकाउंट होल्डर है, मतलब इस पेज का जो ओनर है, जिस अकाउंट से, वो अकाउंट से आपका नया पुराना अकाउंट जोड़ा नहीं गया हो किसी भी तरीके से। अगर ऐसा है तो उसको एडमिन रोल पे लाओ इस पेज पे, फिर उस अकाउंट से आपको आपके पेज पे ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे डालते रहना है, तब जाके ये सब इशू जो है वो सॉर्ट आउट होता है। समय जरूर लगता है मगर धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाता है। अब फिर से एक पेज सेटिंग के बारे में बोलूंगा जो कि इस पेज के केस पे नहीं हुआ है, वो भी हमको सुधार करना है। अब देख सकते हो ये पेज जो है ये फॉर्मेट पे आ रहा है, मगर ये फॉर्मेट वीडियो टेम्पलेट नहीं है। और आपको पता है आज के डेट पे अगर फेसबुक को मोनेटाइज करके वैल्यू लेना है तो वीडियो फर्स्ट के लिए आपको टेम्पलेट चेंज करना पड़ेगा, और टेम्पलेट चेंज करने के लिए आपको सेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं अभी सेटिंग पे क्लिक करूंगा और इस पेज के जो टेम्पलेट है उसको चेंज करके वीडियो टेम्पलेट करूंगा। तो मैं टेम्पलेट टैब पे आया, इस पे क्लिक किया। करंट टेम्पलेट आप देख सकते हो वो स्टैंडर्ड है जो कि फेसबुक का बाय डिफॉल्ट होता है, मगर हम इसको एडिट पे क्लिक करके चेंज करके आप चूज करेंगे यहाँ से वीडियो टेम्पलेट जो कि ये वाला है। तो अब ये पेज जो है वीडियो टेम्पलेट पे चेंज हो जाएगा। अब अप्लाई टेम्पलेट पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया। अब इस पेज का जो लुक एंड फील है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी ये वाला जो टेम्पलेट था स्टैंडर्ड उस पे नहीं होगा, वीडियो टेम्पलेट बन चुका है। तो वीडियो टेम्पलेट का क्या फायदा है वो आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा जैसे जैसे आप वीडियो टेम्पलेट बनाओगे पेज को। तो हमने तो हमारे पेज को वीडियो टेम्पलेट बना दिया है। अब फिर से हम इस पेज पे आएंगे और यहाँ पे ये पेज जो है आप वीडियो टेम्पलेट पे आ गया है। तो आप ये वाला टेम्पलेट इस पेज के लिए बिल्कुल सही टेम्पलेट है। तो ये टेम्पलेट से अगर काम किया जाएगा तो ये पेज आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगा एज ए वीडियो क्रिएटर। तो ये मैंने सेटिंग कर दिया है। बाकी इस पेज के ओनर को अभी फेसबुक के पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी और फेसबुक एडवर्टाइजर फ्रेंडली पॉलिसी के बारे में सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पेज आज के डेट पे एड अकाउंट को ब्लॉक कर चुका है, डिसेबल कर चुका है, और वो मुझे पता चला है यहाँ से। आप देख सकते हो बूस्ट अनअवेलेबल लिखा हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सी डिटेल में जाएंगे तो हम देखेंगे इस पेज के थ्रू जो एड अकाउंट था, मतलब इस फेसबुक अकाउंट का जो एड अकाउंट है वो अभी
परमानेंट एडवर्टाइजिंग एक्सेस परमानेंटली रेस्ट्रिक्ट कर दिया है फेसबुक ने, आप देख सकते हो। तो ये सारे चीज इस पेज के ऑनर को बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा और ये सब पॉलिसी इशू पेज पे नहीं आने देना होगा। अब ये पेज अगर फिर से रिकमेंडेशन एल्गोरिदम को ट्रिगर करना चाहता है तो शेयरिंग सबसे पहले बंद करना पड़ेगा, खुद के कंटेंट को खुद देखना बंद करना पड़ेगा। आप जैसे ही मैं शेयरिंग बंद करने के लिए बोलूंगा तो लोगों को मतलब लगेगा कि क्या हम खुद के कंटेंट को खुद शेयर नहीं करेंगे तो लोगों के पास कैसे पहुंचेगा। तो शेयरिंग का भी एक प्रोसेस है जो कि मैंने कल भी बताया है और उस प्रोसेस रिलेटेड वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो के आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके कृपया देख लो तो आपका शेयरिंग से जुड़े सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। शेयरिंग आप कर सकते हो मगर करना कैसे है वो मैंने बता के रखा है वहां पे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट पेज सेटिंग का जो बेसिक चीजें होते हैं उसको सेटअप कर चुका हूं, मगर फिर भी कहूंगा इस पेज के ओनर को कि अबाउट सेक्शन को आप जितना हो सके और थोड़ा सा पॉलिश करो, क्योंकि अबाउट सेक्शन पे आपका कमी है। आप एज ए मीडिया न्यूज कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपका वेबसाइट प्रेजेंस नहीं है, ये गलत बात है। आपका वेबसाइट प्रेजेंस होना चाहिए। यहाँ पे आपका एक वेबसाइट जो होस्टिंग डोमेन लेके बनाया हुआ वेबसाइट है उसका एक लिंक होना चाहिए जिससे फेसबुक एल्गोरिथम को बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपके पेज को रीच भी बढ़ाएगा। तो इन फ्यूचर आप जरूर वेबसाइट क्रिएट करने के बारे में सोचो। अगर आपको कोई आदमी चाहिए वेबसाइट क्रिएट करने के लिए तो मैं हूँ, मैं खुद भी वेबसाइट क्रिएट करता हूँ। आप लोगों को चाहिए तो मैं क्रिएट करना भी शुरू करूँगा, वो सर्विस देना भी शुरू करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँगा बाकी सब कुछ ठीक है मगर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं डाला गया है तो ये सब ऐड करना है। यहाँ पे एडिशनली कुछ लिख के अपने पेज के बारे में सर्चेबल टर्म में लिख के यहाँ पे एडिशनल फॉर्मेट करना है ताकि जब भी आपके पेज को सर्च किया जाए या फिर आपका पेज के रिलेटेड इंटरेस्ट वाले लोगों को आपका पेज सर्व करे फेसबुक का सर्च इंजिन। तो यहाँ पे सर्च इंजिन तभी प्लेस्ड करेगा जब SEO सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन आप अपने पेज पे उमदा लेवल के करके रखोगे। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। लिखने का मतलब ही है कि कीवर्ड को आप एंटर कर पाओगे उसी लिखने में, मगर वो कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए। नॉर्मल वे में जैसे सेंटेंस लिखा जाते हैं वैसे लिख के अगर ये सब ऑप्टिमाइज किया जाएगा तो ये पेज आगे चल के और भी ज्यादा सर्च इंजिन में ऊपर आएगा, फेसबुक के सर्च में ऊपर आएगा। यहाँ पे है ना फेसबुक सर्च, इस पे ऊपर आएगा, इससे आपका पेज का विजिबिलिटी और बढ़ जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे गलती कर रहे हो, ये सब ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हो तो पेज को ऑप्टिमाइज करो, करोगे तो आगे चल के आपको वैल्यू मिलेगा इन अ लॉन्ग रन। और लोकेशन अगर आप चाहते हो तो इसको भी एंटर करो। अगर आपका न्यूज चैनल ऑल ओवर द वर्ल्ड है तब तो लोकेशन नहीं सिलेक्ट करोगे तो भी चलेगा, मगर आपका अगर एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर प्लेस का लोकेशन का न्यूज हो तो लोकेशन भी आपको सिलेक्ट करोगे तो वो भी आपको फायदा देगा। तो फेसबुक उस जोनर के जो ऑडियंस है उसको आपका पेज को विजिबिलिटी देगा जिससे आपका फॉलोअर बढ़ने का चांस 100% बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें अगर ख्याल रखा जाएगा और जो पॉलिसी इशू आया है उसको सुधार किया जाएगा तो ये पेज फिर से पटरी पे लौटेगा और फिर दौड़ने लगेगा और आगे चल के ये पेज भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा 1-2 मिलियन क्रॉस करने में। सही में बता रहा हूँ, बहुत सारे पेज मैंने देखा है ऐसे ही थे और आज के डेट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर ऐसे पेज क्यों नहीं करेगा। थोड़ा सा आपको नॉलेज जो है वो इकट्ठा करना है और नॉलेज के लिए मेरे चैनल पे कंटेंट की कोई कमी नहीं है। आपको टाइम स्पेंड करो, वैल्यू इन रिटर्न जरूर मिलेगा। इसी नोट पे इस हेल्थ चेकअप को एंड करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहो, आबाद रहो और मैं नाम कर दोस्तों बाय।